प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे महिला वित्त एवं विकास निगम के कार्यक्रम तेजस्विनी की एक और बेहतर पहल है महिला समूहों द्वारा दुग्ध संकलन केंद्रों का संचालन। प्रदेश में हो रही बारिश की कमी, विशेष रूप से बुंदेलखंड में जहां ये परियोजना संचालित है, में खेती से किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का व्यवसाय आजीविका का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसी उद्देश्य के साथ तेजस्विनी ने महिला समूहों द्वारा संचालित दुग्ध संकलन केंद्रों की शुरुआत की। तेजस्विनी द्वारा संचालित महिला समूहों को दूध के व्यवसाय से जोड़ते हुए इसे उनकी प्रमुख आजीविका बनाने के लिए सबसे पहले तेजस्विनी की टीम द्वारा उन गांवों को चिन्हित किया गया जहां कम से कम 100 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा था, क्योंकि सेंटर लाभ में संचालित करने के लिए वर्ष भर कम से कम 100 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित होना चाहिए। उसके बाद महिला समूहों से बातचीत के बाद विस्तृत योजना बनाते हुए तेजस्विनी ग्रामों में दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित किए गए। डीएलसी में प्रस्ताव रखा है, एक प्रस्ताव को हम लोगों ने मतलब ऊपर लेवल तक पहुंचाया, तो इन लोगों के यहाँ एक दूध संकलन केंद्र का स्थापना हो गई। उसके बाद से सभी महिलाओं ने दूध वहीं पे देना शुरू किया। इन ग्रामों में दूध का व्यवसाय तो पहले भी हो रहा था, लेकिन दूध विक्रय के लिए कोई निश्चित संगठित व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण महिलाएं एकत्रित किए गए दूध को स्थानीय वेंडर को बेच रही थी, जिससे ना तो उन्हें दूध का सही मूल्य मिल पा रहा था और ना ही समय पर पैसा। डिब्बा वाले आते तो वे दूध के पैसा नहीं देते समय से, कुछ खा भी लेते थे। पहले इन लोगों का 25-30 रुपए लीटर जाता था और पैसे भी 8 दिन के मिलते थे, 8 दिन के नहीं मिलते थे। अब डब्बे वाले बाहर के आते थे, कहाँ देखे ये लोग, कहाँ के आ रहे, चले गए, दूध नहीं दिए पैसे। अप्रैल 2017 से महिला समूहों द्वारा संचालित इन दूध संकलन केंद्रों में आज महिलाओं को दूध का सही दाम भी मिल रहा है और समय पे भुगतान भी। अब इन लोगों को रोज के रोज पेमेंट होता है महिलाओं को। आज महिलाएं हमारे यहाँ 100 से 150 रुपए तक मतलब एक्स्ट्रा पैसे फायदा कमा रही हैं। लोगासी में 30 रुपए लीटर देते थे डिब्बा वालों को, तब 60 रुपए लीटर देते हैं, तो दून पे फायदा है हम लोगों को। पहले एक भैंस देसी थी, अब मतलब बड़ी भी खरी लई मर्रा, तो उसका भी दूध देते हैं, तो उससे फायदा है। इन दूध संकलन केंद्रों में ग्रामीणों द्वारा प्रतिदिन लाए गए दूध की ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट यानी AMCU द्वारा टेस्टिंग की जाती है और गुणवत्ता के आधार पर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड दूध खरीद की पर्ची दी जाती है, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ दूध बेचने वालों को भुगतान कर दिया जाता है। प्रदेश के छत्तरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना में वर्तमान में 43 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा संचालित इन दुग्ध संकलन केंद्रों पे अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक 1,39,19,145 रुपए कीमत का 3,82,740 लीटर दूध क्रय किया जा चुका है, जिससे इन क्षेत्रों की महिलाओं को सीधे तौर पे 12 से 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त 45,92,880 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, छतरपुर जिले में ही 2 दुग्ध शीत केंद्रों की स्थापना भी की जा चुकी है, जहां दुग्ध संकलन केंद्रों से संकलित दूध परिवहन किया जा रहा है। चिलिंग सेंटर पर संकलित दूध को ठंडा कर प्रतिदिन 2,000 लीटर के टैंकर से सागर दुग्ध संघ को विक्रय किया जाता है, ताकि ये ग्रामीण महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करते हुए लाभ कमा सके और आगे बढ़ते हुए सशक्तता का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।